आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। लोकेशन गंज बासौदा। 2 हफ्तों से खराब पड़ा है वार्ड क्रमांक 13 का हैंडपंप, पानी के लिए परेशान है लोग। गंज बासौदा वार्ड क्रमांक 13 चक्र स्वरूप नगर में लगा हैंडपंप पिछले 2 हफ्तों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे रहवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। वार्ड वासियों ने कई बार नगरपालिका से शिकायत की, लेकिन हैंडपंप ठीक नहीं करवाया गया, जिससे गर्मी के मौसम में रहवासी पानी के लिए परेशान होते दिख रहे हैं। बता दें कि जिस क्षेत्र में हैंडपंप लगा है वहां पर विशाल मंदिर व सरकारी स्कूल, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। वहीं ये हैंडपंप से ही बच्चे पानी पीते हैं, मंदिर पर आने वाले भक्तों को भी इसी नल से पानी पीते हैं और रोजाना इसी हैंडपंप से वार्ड वासियों द्वारा सर्वाधिक पानी भरा जाता है। नागरिकों ने हैंडपंप सुधारने की मांग नगर पालिका से की है। वार्ड वासी योगेश अग्रवाल का कहना है कि नगर पालिका से शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका द्वारा शिकायत की कोई सुनवाई नहीं की गई। विदिशा जिला ब्यूरो, मुकेश चतुर्वेदी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।